शांति, आज की तारीख है 25/7/2023, 25 जुलाई 2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सिर्फ दो अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाबा द्वारा दादे से वर्षा लेते हैं। हम हैं सतगुरु के पोत्रे जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। अभी गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं, क्यों? क्योंकि उत्तर, तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम शिव बाबा के पास परमधाम घर जाते हो, फिर अपनी नई दुनिया में आते हो। अब सत्ययुगी दुनिया आई की आई, बस कुछ समय बचा है। बहुत से लोगों का इसमें संशय होता है कि ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि सतयुग आने वाला है, लेकिन चारों तरफ की स्थिति को देख के धीरे धीरे बहुत लोग विश्वास करने लगे कि हाँ, अब सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो बाबा कहते हैं, तुम अब बाबा के पास जाते हो, तुम्हारी नई दुनिया में चले जाते हो, दूसरे किसी के लिए भी ये गायन हो नहीं सकता। भले उसमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते भी नहीं। भले उसमें से बाबा कहते हैं कच्चे पक्के बच्चे नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने इतनी बड़ी मंजिल कि हमें 21 जन्म बाबा से सुख का वर्षा लेना है। तो बाबा कहते हैं उनके सामने मंजिल, वह बैकुंठ के रस को माना सतयुगी दुनिया को जानते नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अब मैं माया के पांच विकारों से जीत प्राप्त कर रहे हैं, तो पांच विकार कभी कभी हराते भी हैं, बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चों को जिताते भी हैं। तो हमें क्या करना है, हम उन राहों पे चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत है आज की मुरली से, हमें उन राहों पर चलना है। बाबा हमें उन राहों पर चलाते हैं, बाबा हमें ज्ञान गुणों से सजाते हैं, और माया हमें गिराने की कोशिश करती है। तो हमारे साथ सर्वशक्तिमान आत्मा है, सर्वशक्तिमान भगवान है, तो हम उन पांच विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह के भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। अपने इस देह के भान को भूलने के लिए, इस शरीर को भूलने के लिए भी हमें इस दुनिया से, इस शरीर से जैसे जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया, आप बाबा शिव बाबा हमें आप मिल गए, तो हमारे लिए दुनिया जैसे दुख का सागर है। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? भ्रकुटी की तरफ ध्यान केंद्रित, मेरे मस्तक से वाइट कलर का प्रकाश निकल रहा है, मेरे भ्रकुटी के बीच से लाइट निकल रही है, तो यह अभ्यास आपको आत्मिक स्थिति की ओर ले जाएगा। दूसरी पॉइंट है, हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। हमारा शिव बाबा जैसे हमारा, हमें शिव बाबा से लायक बनकर पांच विकारों पर जीत प्राप्त कर पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए यहाँ तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांत स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय बाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। सभी को ये वाइब्रेशंस आने चाहिए कि हमको बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, शांति कुंड बनकर चारों ओर इस विश्व में शांति की शक्ति को फैलाएंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं शांत कुंड हूँ, मैं शांति की कुंज आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। एक मिनट के लिए उस शांति के सागर से अपनी आत्मा को संपन्न करेंगे।
प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का, ये मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते, बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है, मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है, मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से आता ये निरंतर ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के, मेरे आत्मा के अंधकार को दूर करता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। सुखों से भरपूर होती जा रही हूँ।